वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मनीष पंकज। तो वेल, इस वीडियो में बात करने वाले कि डब्ल्यू ने मनी इन द बैंक 2022 के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया है। यस ऑफ कोर्स, मनी इन द बैंक 2022 के अंदर हमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है, तो इसको लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। सो उस थिंग के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि एज को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिली है, एंड एज के लिए फ्यूचर प्लान्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो इसको भी लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो वेल, इस थिंग के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप हमें कितनी देखने को मिली, एंड जॉन सीना को भी लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जॉय गेसी को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जॉय गेसी को कहा जाता है कि वो ब्रे वाइट की कॉपी करते हैं, एंड उनका जो पूरा कैरेक्टर है वो ब्रे वाइट जैसा है। तो इसको लेकर रिसेंट के इंटरव्यू में जॉय गेसी जो कि काफ़ी कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, एंड जहां पर जॉय गेसी का ये कहना था कि जो ब्रे वाइट का कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, और जो मेरा कैरेक्टर है वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे जॉय गेसी जो कि समझाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ऑडियंस को और यहाँ पर रिसेंट के इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जॉय गेसी की तरफ से, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है वो ब्रे वाइट के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट ब्रे वाइट की तरह हमें इनकी हरकतें देखने को मिलती है रिंग के अंदर, तो इसी वजह से सब लोग कहते हैं कि ये ब्रे वाइट का कॉपी कैरेक्टर है। लेट्स सी भाई आगे हमें फ्यूचर में इस कैरेक्टर के लिए क्या देखने को मिलता है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये है कोडी रोड्स को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि कोडी रोड्स अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने उस इंजरी को लेकर फोटो डालते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे उनकी इंजरी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दी। जैसा कि आप यहाँ पे शुरुआती से फोटो देख सकते हो, जहाँ पर हमें शुरुआती टाइम पे थोड़ा सा ही दाग देखने को मिल रहा है, एंड इसके बाद जो कि वो जो हमें पूरा दाग देखने को मिला वो धीरे धीरे बढ़ते गया, एंड पूरा हमें ये पूरा रेड रेड देखने को मिला उनका शोल्डर। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप इन फोटोज में देख सकते हो जो कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोडी रोड्स डालते हुए दिखाई देते हैं, एंड जो कि देख के काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। एंड होप करते हैं कि ये जो कोडी रोड्स की इंजरी है ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, एंड क्योंकि कोडी रोड्स काफी बड़े मेगा स्टार है डब्ल्यूडी के अंदर, तो ऑफकोर्स होप करते हैं कि हमें जल्दी इनका रिटर्न देखने को मिले। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, सो ये है टोनी स्टॉर्म को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि रिसेंट रिनी पैकेटी के पॉडकास्ट में हमें टोनी स्टॉर्म देखने को मिलती है, एंड जहां पर वो काफी कुछ चीजें जो कि रिवील करते हुए दिखाई देती हैं, जहां पर वो कहती हैं कि उन्होंने क्यों डब्ल्यूडी को लीव किया, इसके पीछे का रीजन बताती हैं, और उनका ये कहना था कि उनको लगता था कि डब्ल्यूडी उनके बारे में केयर नहीं कर रही है, सो इस वजह से उनको लगता है कि वो कैटरिंग में बैठ सकती हैं और आगे आने वाले समय में हमें थोड़ा बहुत ही पुश मिलेगा, एंड इसके बाद उनको आने वाले समय में पुश नहीं मिलता और वो हमें कैटरिंग के अंदर देखने को मिलती, एंड इसके बाद उनके बारे में डब्ल्यूडी जो केयर नहीं करती, तो ये कुछ देखने को मिल रहा था। सो यही मेन रीजन था कि जो टोनी स्टॉर्म है वो हमें डब्ल्यूडी को लीव करते हुए दिखाई दी। तो ये कुछ हमें यहाँ पे बताते हुए दिखाई देती हैं, एंड ऑफ कोर्स भाई इस पॉडकास्ट के बाद तो क्लियर हो गया कि टोनी स्टॉर्म हमें डब्ल्यूडी में शायद ही देखने को मिले अब आगे चल के। ओके, सो चलते वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है बियांका ब्लेयर की तरफ से। सो बियांका ब्लेयर जो कि रिसेंट के स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के पॉडकास्ट में काफी इंटरेस्टिंग बात कहते हुए दिखाई देती है बेली को लेकर, एंड जहां पर बियांका ब्लेयर का ये कहना था कि वो बेली के ऊपर नजरें बनाए रखी हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि बेली कब रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएं और कब आकर उनके ऊपर अटैक कर दें। तो ये कुछ रीजन देखने को मिल रहा है कि बियांका ब्लेयर अपनी नजरें जो कि बेली के ऊपर भी बनाए रखी हैं, क्योंकि बेली तो ठीक हो चुकी है लेकिन बेली हमें कब रिटर्न देखने को मिलेंगी ये किसी को भी नहीं पता है, एंड बेली जैसे ही रिटर्न देखने को मिलेगी तो बियांका ब्लेयर को डर है कि मे बी उनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये डर रहना भी चाहिए क्योंकि बेली बेली है, एंड बेली आएंगी तो मे भी काफी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है, और बेली आने के बाद तो बियांका ब्लेयर के ऊपर तो जरूर अटैक करेंगी क्योंकि लास्ट टाइम फ्यूड खत्म भी नहीं हुआ था और इंजरी हो गई थी बेली की, तो भाई अनफिनिश बिजनेस है, तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा ही बेली की तरफ से ये एक्शन तो देखने को मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स मैं तो भाई देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये है जो कि इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की तरफ से। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो हमें इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप देखने को
को मिला वो काफ़ी अच्छा खासा व्यूअरशिप देखने को मिला है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इस हफ्ते का जो हमें मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप है वो 1.872 मिलियन का देखने को मिला है। यस 1.872 मिलियन का। एंड इसके पिछले हफ्ते हमें जो व्यूअरशिप देखने को मिली थी वो व्यूअरशिप हमें देखने को मिली थी 1.496 मिलियन का, यानी कि जो व्यूअरशिप है वो हमें 4 लाख बढ़ते हुए दिखाई दी है। 1.496 से हमें जो कि 1.872 मिलियन देखने को मिली है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी बढ़िया बात हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एंड होप करते हैं कि जॉन सीना जैसे ही आएंगे हमें लगता है कि भाई ये 2 मिलियन भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि काफ़ी बेस्ट थिंग होने वाला है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है द रेटेड आर सुपरस्टार एज की तरफ से। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि एज को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। तो एज को फाइनली बेबी फेस सुपरस्टार बना दिया गया है एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट्स ये देखने को मिली है कि WWE ने जो कि एज को इंटरनली फेस सुपरस्टार के कैरेक्टर में फेस सुपरस्टार की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि एज अब से हमें बेबी फेस देखने को मिलेंगे। एंड एज का जो ये कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा था जो कि द जजमेंट डे वाला था, तो रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि इसके अंदर जो हमें सुपर नेचुरल पावर देखने को मिलने वाली थी, सुपर नेचुरल टाइप का जो कैरेक्टर देखने को मिलने वाला था इससे, जो कि इसके अगेंस्ट द रेटेड आर सुपरस्टार एज, तो इसकी वजह से एज को इस फैक्शन से निकाल दिया गया एंड एज हमें अब इस फैक्शन के हिस्सा नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको जो सुपर नेचुरल वाला गिमिक देखने को मिल रहा था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। और एज जो कि इस सुपर नेचुरल कैरेक्टर के अगेंस्ट थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे एज को जो कि जजमेंट डे से निकाल दिया गया। तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। एंड ऑल्सो WWE रॉ का एक टॉप बेबी फेस जो कि हमें कोडी रोड्स देखने को मिल रहे थे, वो हमें अब उनको ब्रेक देखने को मिलेगा, उनका ब्रेक देखने को मिलेगा, वो हमें कुछ दिनों तक नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में एज को जो कि बेबी फेस बनाया गया, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के अंदर एक बेबी फेस सुपरस्टार भी चाहिए, तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स भाई ये भी काफ़ी बढ़िया बात हमें यहाँ पे देखने को मिली है, यानी कि ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से द रेटेड आर सुपरस्टार एज को जजमेंट डे से निकाला गया। ओके सो चलते वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है अपोलो क्रूज की तरफ से। तो अपोलो क्रूज जो कि आज हमें NXT के अंदर देखने को मिले एंड देखने से ऐसा लग रहा है कि उनका हमें ब्रॉन ब्रेकर के साथ में मे बी फ्यूचर में फ्यूड देखने को मिल सकता है NXT के अंदर। तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, यानी कि बेचारे का मेन रोस्टर में थोड़ा बहुत काम नहीं देखने को मिल रहा था, जो कि अच्छी खासी बात है कि हमें NXT के अंदर थोड़ा देर तक देखने को मिलेंगे। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है द सी नेशन लीडर जॉन सीना की तरफ से। सो जॉन सीना जो कि हमें नीदरलैंड में देखने को मिलते हैं, तो इसके पीछे का हमें सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है कि एक ऐसा फैन जो कि हमें जो यूक्रेन का वॉर देखने को मिल रहा था, तो यूक्रेन यानी कि अपने देश को छोड़ के वो हमें नीदरलैंड में देखने को मिलता है एंड जहाँ पे उस टीन के लिए, उस बच्चे के लिए जो कि हमें जॉन सीना जो कि नीदरलैंड जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि डिसएबल बच्चा था, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा अपंग बच्चा था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जॉन सीना जो कि नीदरलैंड जाते हुए दिखाई देते हैं एंड इसके बाद जो कि हमें जॉन सीना उनके साथ फोटो भी खिंचाते हुए दिखाई देते हैं, उनको WWE चैंपियनशिप जो कि गिफ्ट करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी जॉन सीना की तरफ से। एंड इससे पता चलता है कि जॉन सीना कितने अच्छे इंसान हैं। एंड इसके बाद जो कि हमें WWE की तरफ से ट्विटर अकाउंट पे जो कि इस वीडियो को भी शेयर करते हुए दिखाई देती है WWE, एंड जिसमें हमें अलेक्सा ब्लिस को भी टैग करते हुए दिखाई देती है कि वो फैन जो कि अलेक्सा ब्लिस को भी हाई कर रहा था, तो अलेक्सा ब्लिस भी काफ़ी ज़्यादा जो कि उनके लिए अच्छा खासा ट्वीट करते हुए दिखाई देती है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी बढ़िया थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है एक WWE सुपरस्टार की तरफ से। एंड जो कि यार मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है ये देख के, जो कि WWE को एंड WWE के सुपरस्टार्स को। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है मनी इन द बैंक 2022 की तरफ से। सो मनी इन द बैंक 2022 के अंदर प्लान्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो हमें मनी इन द बैंक 2022 का चेंज पोस्टर देखने को मिल रहा था, WWE ने जो कि WWE.com से उस पोस्टर को हटा दिया है एंड WWE जो कि नया पोस्टर बना रही है एंड WWE जो कि वहाँ पे नए पोस्टर के अंदर हमें बहुत सारे सुपरस्टार को जो कि एडवर्टाइज करते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि हमें पिछले पोस्टर में नहीं देखने को मिले थे एंड बहुत सारे सुपरस्टार को जो कि फीचरिंग सुपरस्टार से निकाल दिया गया था, तो बहुत सारे सुपरस्टार जो कि हमें एडवर्टाइज भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि मनी इन द बैंक 2022 के लिए प्लान्स हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं एंड
और भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि एडवर्टाइज होंगे। सो ऑफकोर्स ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, और जैसे ही नया वाला पोस्टर देखने को मिलता है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सारी थिंग्स के ऊपर वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफकोर्स मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।